क्लास सेवेंथ, लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन देखा, लेसन 3 पूरा देख चुके हैं, आज उसके क्वेश्चन आंसर की बारी है। ठीक है, तो हमारा लेसन 3 था फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है, जिसको हमने कम्प्लीटली देख लिया था, वूल और सिल्क के बारे में, है ना। अब इसके क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अभी भी इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर देना बच्चों, जिससे आपके सारे वीडियो मिल जाएंगे, है ना। और आगे संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, ये सब चीज़ों के वीडियोस भी इस पर डल रहे हैं, तो आप उनको भी देखें, जिससे कि आप लोगों को पढ़ाई में तकलीफ ना आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ द फॉलोइंग नर्सरी राइम। आपने नर्सरी राइम सुनी होगी, बाबा बाबा ब्लैक शी, हैव यू एनी वूल, वूल जो हमने पढ़ा है लेसन में। मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब हूज फ्लीश वॉज वाइट एज स्नो। फ्लीश मतलब उसके जो बाल हैं, हेयर हैं, वो कैसे हैं, स्नो बर्फ के जैसे हैं। जिसको पढ़ के हमको कुछ आंसर देना है। विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैज हैव वूल, तो वूल कहाँ होते हैं ये बताना है। विच पार्ट ऑफ ब्लैक शीप, ब्लैक शीप के वूल कहाँ होते हैं। और वॉट इज मीन बाय द वाइट फ्लीश ऑफ द लैम, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमको देना है। तो ये रहे बच्चों हमारे आंसर। क्या आंसर है? बेसिकली द एब्डोमेन एंड बैक ऑफ शीप हैव वूल। एब्डोमेन मतलब हम उसके पेट के आसपास का जो एरिया है बच्चों, है ना, वहाँ पर वूल होता है। और उसके बैक में, बैक साइड में भी वूल होते हैं। मैं आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझा दूँ, कैसे समझ नहीं पाएंगे एब्डोमेन क्या होता है। एब्डोमेन मतलब ये देखिए, ये जो यहाँ से हिस्सा होता है ना, ये पेट वाला हिस्से को एब्डोमेन कहा जाता है। तो ये पूरे हिस्से में वूल होते हैं और ये बैक में भी वूल होते हैं इस तरफ, ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द वाइट फ्लीश रिफर टू द वाइट हेयर। वाइट फ्लीश का मतलब होता है वाइट हेयर ऑफ लैम्ब। लैम्ब मतलब बकरी के या शिप के बच्चे को कहते हैं, मेमना कहते हैं हिंदी में। दैट इज़ यूज टू मेक वूल, जिसका वाइट हेयर जिसका वूल बनाने में यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, द सिल्क वॉर्म इज अ, सिल्क वॉर्म क्या होता है, कैटरपिलर और एक लार्वा। हमको दे आंसर बताना, ए सही है कि बी सही है कि बोथ ए एंड बी सही है। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों सही है। वो एक कैटरपिलर भी होता है और एक लार्वा भी होता है, दोनों चीजें होते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल, कौन वूल नहीं देता है। वूली डॉग, नाम वूली है लेकिन वो वूल नहीं देता है बच्चों, वूली डॉग सिर्फ नेम है उसका। व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म, रियरिंग, शेयरिंग, सेरिकल्चर का क्या मतलब है। तो रियरिंग का मतलब होता है द ब्रिंगिंग अप द लुकिंग आफ्टर द शीप इज कॉल्ड रियरिंग, मतलब शीप्स को पालना, है ना, उनकी देखभाल करना, लुकिंग आफ्टर देखभाल करना, ये क्या कहलाता है, रियरिंग होता है। शेयरिंग क्या होता है, द फ्लीश ऑफ द शीप अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। मतलब शीप की बॉडी से, है ना, फ्लीश निकालना क्या कहलाता है, शेयरिंग होता है। सेरिकल्चर, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म को पालना, रियरिंग यानी होता है पालना, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, हम सेरिकल्चर कहते हैं, सिल्क वॉर्म को पालना, जिससे कि हम लोग सिल्क ले सकें। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं, पर मैं आपको पहले क्वेश्चन आंसर सेक्शन में ले चलता हूँ पीछे की तरफ। हाँ, तो हमने ये क्वेश्चन 4 तक देख लिया है, रियरिंग, शेयरिंग और सेरिकल्चर। गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन प्रोसेसिंग ऑफ वूल, वूल बनाने की मेथड यहाँ दी है बच्चों। और विच आर द मिसिंग स्टेप, कौन से स्टेप यहाँ नहीं ली है हमें बताना है। शेयरिंग, शॉर्टिंग और जो जो नहीं लिखी है वो हमको यहाँ पर लिखना है, है ना। तो क्या होता है बच्चों, शेयरिंग के बाद होती है स्कोरिंग, मतलब उसको साफ करना, है ना। शॉर्टिंग के बाद होती है, शॉर्ट करने के बाद क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, फिर डाई करते हैं, फिर स्पिनिंग करते हैं और फिर वीविंग करते हैं। तो ये स्टेप्स हमने बीच में छोड़ दिए इसमें से,
तो क्या क्या आंसर लिखोगे आप? यहाँ पर आप लिखोगे स्कॉरिंग। इसके बाद आप शॉर्टिंग, डाइंग, स्पिनिंग और वीविंग, ये चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। स्कॉर्विंग और ड्राइंग दोनों यहीं आ सकते हैं, मतलब एक ही चीज़ होती है। स्कॉर्विंग ड्राइंग में वही करते हैं हम लोग, उसको साफ करते हैं, पहले धोते हैं और फिर उसको सुखाते हैं। मेक स्केचेस ऑफ टू स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। हमको दो डायग्राम बनाना है। तो आपकी बुक में बच्चों बहुत सारे डायग्राम है, आपको जो दो ठीक लगे आप बना सकते हो, मैंने आपको पढ़ाए भी थे। ये मलबरी लीव्स के ऊपर अंडे देना है ना, और ये फीमेल सिल्क वर्म जो अंडे दे रही हैं, मॉथ विथ एग्स, ये बना सकते हैं। इसके अलावा ये जो डायग्राम, इनमें से भी आप कोई भी दो डायग्राम बना सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो डायग्राम बना लीजिएगा बच्चों, है ना। हमारे सॉल्यूशन में भी कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, उनमें से जो आपको ठीक लगे वो आप बना सकते हैं। इन दोनों डायग्राम में से जो भी दो डायग्राम आपको बनाना हो वो तो आप आंसर में बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 डायग्राम ये हैं, और इसके अलावा पीछे के जो डायग्राम्स हैं इनको अभी यूज़ कर सकते हो बनाने के लिए। सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है, स्केच वो मैंने बता दिया। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन से क्या क्या जुड़ा है? सेरिकल्चर, और दूसरा क्या है बच्चों? मॉरीकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है? सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्क वर्म। और मॉरीकल्चर क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है मलबरी का, मलबरी का साइंटिफिक नेम होता है। चलिए तो फर्स्ट का आंसर क्या लिखोगे बच्चों? सेरिकल्चर। सेकंड का आंसर क्या लिखोगे? मॉरीकल्चर। यहाँ पर कुछ मैचिंग दिए हुए हैं। स्कॉरिंग मतलब क्लीनिंग शीयर्ड स्किन, शीयर्ड स्किन को क्या करना बच्चों? क्लीन करना। मलबरी लीव्स खाना होते हैं सिल्क वॉर्म का, सिल्क वॉर्म मतलब जो कीड़े होते हैं उनका खाना होता है ये। याक, याक क्या कर सकता है? एक वूल यील्डिंग एनिमल है, याक से हमको वूल मिलता है। ककून, ककून क्या है बच्चों? यील्ड सिल्क फाइबर, ककून से हमको सिल्क फाइबर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्रॉस पजल दिया है बच्चों, उसको देख देख के हमें लिखना है वर्ड्स। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं लिखना। इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारे पास पेंसिल नहीं है तो हम पेन से ही लिख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो इज अ क्रॉस वर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस लेसन। पहला देखिए, ये क्रॉस पजल जिसने नहीं खेला मैं समझा दूं आपको, इसमें क्या होता है? हिंट दिए होते हैं और नंबर के साथ, जैसे लिखा है 1D, डाउन के लिए D है ना, तो 1D मतलब ये 1D। अब यहाँ से नीचे आपको एक वर्ड पता करना है जो यहाँ पर फिट होगा, ऐसे थ्रू वॉशिंग, थ्रू वॉशिंग, तो इसको हमने कहते हैं SCOUR, स्कोर। हमने मेथड पढ़ी थी ना स्कॉर्विंग, उसी का शॉर्ट फॉर्म है स्कोर, यानी वॉश करना। डी का सेकेंड है एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर ये लिखा है D2। एनिमल फाइबर क्या होता है? SILK, सिल्क, SILK, सिल्क। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चों? FIBRE, फाइबर। तो ये आपका आंसर हो गया फाइबर का। ठीक है, कीप्स वॉर्म, 1A का आंसर है कीप्स वॉर्म। आपको वॉर्म कौन रखता है? आपको वॉर्म रखता है वूल, तो WOOL या WOOL, वूल। सेकेंड आंसर है आपका इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वॉर्म, मलबरी। सिल्क वॉर्म को कौन ईट करता है? MULBERY, मलबेरी लीव्स।
और लास्ट है हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मोथ, कैटरपिलर निकलता है, CATERPILLAR, कैटरपिलर, कैटर। चलिए यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन दिए बच्चों, मैं ये भी बता दूँ आपको जिनको आप देख लीजिएगा। पहेली वॉन्ट्स टू नो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कंटिन्यूअस सिल्क थ्रेड दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ ककून, किसी ककून से कितना ज़्यादा लंबे से लंबा क्या बनाया जा सकता है, सिल्क का थ्रेड बनाया जा सकता है, तो वो है 980 मीटर। बच्चों कितना है, 980 मीटर, इसका आंसर है 980 मीटर। भोजो वॉन्ट्स टू नो वाई कैटरपिलर नीड टू शेड देयर स्किन वेन दे ग्रो बिगर बट वी ह्यूमन्स डू नॉट। तो इसका मीनिंग पहले समझे बच्चों, ये क्या कहना चाह रहे हैं, भोजो वॉन्ट्स टू नो क्या जानना चाह रहा है, वाई कैटरपिलर नीड टू शेड, शेड मतलब छुपाना या ढकना, शेड करते हैं ना अपने, शेड देयर स्किन वेन दे ग्रो बिगर बट वी ह्यूमन्स डू नॉट, जब वो बड़े होते हैं तो अपनी स्किन को छुपाते क्यों हैं, है ना, शेड क्यों करते हैं, तो ड्यूरिंग द ग्रोइंग स्टेज द कैटरपिलर ईट्स ओन शेडेड स्किन, मतलब वो अपनी खुद की शेड की हुई स्किन को, छुपी हुई स्किन को खाते हैं, इट हैज़ नो अदर फूड ऑप्शन, तब उसके पास कोई खाने का ऑप्शन नहीं होता है, जब वो ककून बनाते हैं बच्चों अपने आसपास तब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जो वॉन्ट्स टू नो वाई कैटरपिलर शुड नॉट बी कलेक्टेड विथ बेयर हैंड्स, इसका रीजन है हम अपने नॉर्मल हाथों से किसी कैटरपिलर को क्यों नहीं हाथ लगा सकते, बिकॉज कैटरपिलर्स स्किन कैन कॉज एलर्जी, वो हमारी बॉडी में कोई ना कोई एलर्जी कर सकती है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पहेली वॉन्ट्स टू बाय अ सिल्क फ्रॉक एंड वेंट टू द मार्केट विथ हर मदर, अपनी मम्मी के साथ जाकर मार्केट से कोई सिल्क की फ्रॉक खरीदना चाहती है, देयर दे फाउंड दैट द आर्टिफिशियल सिल्क या जो सिंथेटिक आर्टिफिशियल सिल्क होता है वो मच चीपर होता है, सस्ता होता है, एंड वॉन्टेड टू नो वाई, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों, इसका रीजन देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट मतलब होता है कीमत, प्रोडक्शन यानी बनाने की, फॉर आर्टिफिशियल सिल्क इज़ वेरी लो, मतलब आर्टिफिशियल जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं या फैक्ट्रीज में बनाते हैं उसकी आर्टिफिशियल सिल्क की कॉस्ट बहुत कम होती है, द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल सिल्क आर अवेलेबल एट वेरी लो प्राइस एंड आर अवेलेबल इन ह्यूज क्वान्टिटी, बहुत ज़्यादा भी मिलता है ना, ऑल्सो द प्रोडक्शन टाइम वेरी लेस और जल्दी बन जाता है, इसीलिए आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है वो सस्ता होता है। समवन टोल्ड पहेली दैट इन एन एनिमल कॉल्ड वाइक्यूना, पर यहाँ देख लेते हैं नाम थोड़ा छिप रहा है, ऑल्सो गिव वूल, वो वूल देता है, कैन यू टेल हर वेयर दिस एनिमल इज फाउंड, ये एनिमल कहाँ मिलता है, तो वाइक्यूना इज फाउंड इन स्पेन, वो कहाँ मिलता है, स्पेन में मिलता है बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा लेसन, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है जिसको आपको अपने आप से करना होगा, ठीक है, कुछ एक्टिविटी टाइप है तो देख लीजिएगा। तो ये मैंने आपको पूरा लेसन समझा दिया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हीट वाला चैप्टर करवाऊँगा, ठीक है बच्चों, तो वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा।